9 प्रो के अंदर एक फीचर है, MIUI 12 में यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल ये जो है कंट्रोल सेंटर, ये तो MIUI 12 का है। अगर आप चाहते हो यूज करना है पुराना वाला भी यूज कर सकते हो। वो कैसे, सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको और यहाँ पे चले जाना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट वाला फीचर्स दिखेगा, तो यहाँ पे टैप कर लीजिए। जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे एक यूज न्यू कंट्रोल सेंटर नाम से ऑप्शन आएगा, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने से बाद आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मल जैसे आप MIUI 11 में यूज करते थे ये सारे फीचर्स आ जाएगा। अगर आप उस पेज से आप इसको यूज न्यू कंट्रोल सेंटर कर देते हो तो आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन करते ही आपको कंट्रोल सेंटर दिख जाएगा, है ना कमाल के टिप्स। तो दोस्तों इस बहाने वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सेकंड टिप्स के बारे में बताते हैं। अगला फीचर है ऐप लॉग। अगर आप एप्लीकेशन के लॉग के बारे में जानते हो, अगर बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर है तो उसको लॉक करना चाहते हो, काफी बढ़िया फीचर्स इसके अंदर है। सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके ऐप सेटिंग्स, मतलब यहाँ पे ऐप्स, तो इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐप लॉक। यहाँ पे टैप करिए और ये फीचर से आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक पैटर्न देना पड़ेगा, जो भी आपको पैटर्न सेटअप है आप यहाँ पे पैटर्न सेटअप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। सॉरी ड्रॉ अगेन, तो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने एक MI अकाउंट दे देना, या तो कोई गूगल या फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे बड़े आसान से कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर इनेबल कर सकते हो। दोस्तों अगला फीचर है डुअल ऐप। डुअल ऐप क्या करता है, यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपको डबल चैट करते हो कोई भी एप्लीकेशन, जैसे आप नॉर्मल फेसबुक आपके दो अकाउंट है, या आपको यूज करते हैं यूट्यूब या कोई भी और अदर एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप यूज करते हैं, दो दो अकाउंट आपके पास है, तो सिंपल आपको यहाँ पे टैप करिए। टैप करने के बाद डुअल ऐप ऑप्शन आएगा, इसको करते ही यहाँ पे देखिए क्या होने लगा है, या क्रिएटिंग डुअल ऐप ये प्रोसेस करने लगा है और ये ऑलरेडी होम स्क्रीन के अंदर सेटअप हो गया। मैं अगर चला जाऊंगा एंटर तो यहाँ पे फेसबुक मुझे दो मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए एक ये ओरिजिनल फेसबुक है, ये डुप्लीकेट है। तो इसी तरह आप यहाँ पे डुअल ऐप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है फुल स्क्रीन जेस्चर। यहाँ पे देख पा रहे हो फुल स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्वाइप अप करते ही नीचे का एंटर जो मेनू आ जाता है और एक ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्वाइप अप और लेफ्ट राइट पे आपको सेटअप देख। फुल स्क्रीन सेटअप करने के लिए आपको सिंपल आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक एडिशनल सेटअप आएगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन दिख जाएगा। तो यहाँ पे टैप करिए, दो ऑप्शन है, एक बटन से और यहाँ पे देखिए बटन से और साथ में फुल स्क्रीन जेस्चर, इसको इनेबल करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा इंडिकेटर, इसको भी आप हटा सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे तो वो भी हट जाएगा, अगर रहता है आपको अच्छा लगता है, एंड्रॉइड 10 का इंडिकेटर है और सिंपल आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप कभी भी कोई एप्लीकेशन ओपन करो, इसको लेफ्ट राइट करके आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऐसे स्वाइप कर दोगे तो वापस आ जाएगा, फिर लेफ्ट में कर दोगे वो भी वापस आ जाएगा। काफी बढ़िया फीचर्स है और जो कि फुल स्क्रीन जेस्चर। दोस्तों सबसे लास्ट वाला फीचर्स है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक अलग से सेटिंग्स, जो कि आपको काफी बढ़िया रहेगा। सिंपल आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटअप पे जाना है। इसके बाद आपको फुल स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पे बटन ऑप्शन लाना है। जैसे बटन का ऑप्शन लाओगे तो आप यहाँ पे बंद कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, सिंपल टैप करते ही आपके सामने कितने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो गूगल असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, पावर मेनू, वॉल्यूम, टोगल्स। यहाँ पे टोगल्स क्लिक करोगे तो सिंपल आपका जो ये जो टोगल्स है ये आपका आ जाएगा शॉर्टकट में। काफी बढ़िया फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये जो है डिटेल्स आपको साउंड की फोन के अंदर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सिंपल सिंगल टैप पे आपका काम हो जाता है। यहाँ पर बटन राइट साइड में एक ऑप्शन है, यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन है, छोटा सा इंसान खड़ा है यहाँ पे, आपको पता नहीं है, तो सिंपल आपको यहाँ पे देखिए टैप करते ही ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। कुछ वॉल्यूम बढ़ाना है घटाना है ये भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये काफी बढ़िया फीचर्स मुझे लगा, जो कि ये राइट साइड में जो एक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, आप इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है, एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटअप, तो इसके अंदर आपको जाना है नीचे थोड़ा सा ऑप्शन करेंगे, एक तो आता है एक्सेसिबिलिटी, इसको टैप करिए। इसको टैप करने के बाद एक और आता है सिंपल, थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू, तो
तो इसको टैप करिए। जैसे आपको टैप करेंगे तो ये ऑप्शन को अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ देखो प्लेन हो गया। अगर मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, अलाउ करता हूँ, ओके, देखो यहाँ पे एक इंसान आ गया छोटा सा, यहाँ पे ये सेटअप देखने को मिल जाता है और आपको Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अनपंदे मातरम।